राजस्थान में बीजेपी पार्टी की राजनीतिक हलचल से तो हम सभी वाकिफ हैं, जिसके चलते प्रदेश में भाजपा दो खेमों में बट चुकी है। एक खेमा है वसुंधरा राजे का तो दूसरा खेमा है सतीश पूनिया का, जिस कारण दोनों खेमों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी में चल रही राजनीतिक हलचल के बीच बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का 22 साल पुराने 3 पेज के इस्तीफा लेटर ने एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। यह पत्र सतीश पूनिया ने तत्कालीन बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष गुलाबचंद कटारिया को लिखते हुए कई बीजेपी के बड़े नेताओं पर आरोप लगाया था। उस समय सतीश पूनिया को विधानसभा व लोकसभा के लिए टिकट नहीं मिलने के कारण पूनिया ने बीजेपी के बड़े नेता भैरव सिंह शेखावत, ललित किशोर चतुर्वेदी, हरिशंकर भाभड़ा पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया था, तो वहीं राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कसवा को भस्मासुर बताया था। सतीश पूनिया ने यह इस्तीफा पत्र जुलाई 1999 में लिखा था। इस पत्र को लेकर सतीश पूनिया का कहना है कि राजनीति में उस समय लिए गए फैसले को तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार ही देखना चाहिए। इस पत्र को लिखे काफ़ी वक्त हो गया है, इसलिए मुझे अब इस लेटर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जयपुर से शिल्पी मित्तल की रिपोर्ट।